अब हमें जेल में ही मत भेजो, अब वहां भी जाने से भाग कर रहे हैं। जिंदगी भर सेवा लगा करके पेट भर लूंगा, लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा। नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके गनर की हत्या के बाद विधानसभा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। आपको बता दें कि आगरा के फतेहपुर सिकरी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों और कानून व्यवस्था की स्थिति पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले राज्य के ज्यादातर इलाकों में सूरज डूबने के बाद थानों में भी ताले लग जाते थे, लेकिन उसके बाद ज्यादातर अपराधी जमानत खत्म करवाकर जेल चले गए। अब तो यह हाल है कि वे जेल जाने से भी डर रहे हैं। सीएम योगी ने फतेहपुर सिकरी में भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर के समर्थन में जनचौपाल को संबोधित करते हुए कहा कि अपराधी सोचते थे कि पिछली सरकारों की तरह ही यह सरकार भी रहेगी, लेकिन सरकार ने उनसे कहा कि तुम अपराध बंद करो या कीमत चुकाने को तैयार रहो। सीएम योगी का बयान पिछले दिनों बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आया है। जेल को लेकर उनके दिए गए बयान को इस घटनाक्रम से भी जोड़ा जा रहा है। वहीं योगी सरकार के कार्यकाल में मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के खिलाफ लगातार कार्रवाई हुई है। अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर खेला लगा करके पेट भर लूंगा, लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बचत तो बस। वर्ष 2017 में सत्ता संभालने के बाद संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई के क्रम में योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफियाओं की कमर तोड़ दी। पिछले दिनों मुख्तार की बांदा जेल में मौत के बाद लगातार विवाद बढ़ा है। हर दूसरे दिन होता था दंगा। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर दूसरे दिन दंगा होता था। कांग्रेस एवं सपा की दंगा कर्फ्यू पॉलिसी को जिस प्रदेश ने झेला है वहां अब दंगा कर्फ्यू नहीं चलेगा। यह प्रदेश अब उपद्रव बर्दाश्त नहीं करेगा बल्कि परंपरागत उत्सव के साथ जुड़ेगा। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वी एक्सपर्ट न्यूज। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।